आजकल शुगर डैडी बहुत चल रहा है, लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना जो सोशल मीडिया है स्पेशल, उसमें ऐसी ऐसी पिक्चर्स डालते हैं कि हमारे पास तो ये सब कुछ है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि मेल ऑडियंस है, वो ये जानना चाहते हैं कि एक लड़की को इम्प्रेस कैसे किया जाए, एक लड़की को क्या अच्छा लगता है। इसका जवाब तो यही है कि लड़की को इम्प्रेस करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ओके, मतलब सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि लड़की को अगर सही बताओगे ना, जो अच्छी लड़की होगी जिसके साथ आपको पूरा स्पेंड करना है लाइफ, और मतलब हमने सोच लिया कि यही वो है। अगर आपको लगता है ना कि रियल में यही वो जना है जिसे मुझे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, जिसके साथ मुझे हमेशा इंजॉय करना है, तो मेरे हिसाब से उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। यार मेरे हिसाब से जो अच्छी लड़की है, जिसको पता है कि मुझे अपनी जिंदगी इसके साथ बितानी है, वो मनी माइंडेड नहीं होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, मैक्सिमम आज की रेशो अगर हम काउंट करें, लड़कियों को पैसे वाला बंदा चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ सारी लड़कियां ही एक जैसी हैं। आप एक बार बताओ, पैसे वाली अगर वो है तो वो अपने सामने सोचेगी ना, थोड़ा सा आपसे ज्यादा अर्न करता हो, मेरे से ज्यादा अर्न करता हो, तो ये गलत बात नहीं है लड़कियों की भी। बट सारी लड़कियां जो इसको गलत वे में यूज कर रही है लड़कों के साथ, तो वो गलत है। जैसे गोल्ड डिगर बोल देते हैं लड़कियों को, है ना, आजकल शुगर डैडी बहुत चल रहा है, तो लड़कियों को कोई ना कोई बंदा चाहिए जो उनके खर्चे उठाए और स्पेंड करे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग, तो आप फ्यूचर में अपने आप को क्या देखते हो, मतलब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक जने के लिए नहीं बोल रही, दोनों ही गलत है और दोनों ही सही है कुछ चीज़ों में। तो मैं यही बोलती हूँ, कुछ रेशो लड़कियों की खराब है, कुछ रेशो लड़कों की खराब है। तो आज की जो जनरेशन है ना, वो स्पॉइल हो चुकी है। मतलब मैं शायद 90s वाली हूँ, तो मेरे माइंड में ये चीज़ें नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है कि लड़का अगर जेन्युइन है, उसके पास अगर पैसे लिमिटेड भी है, तो हम मिलके कर लेंगे। और मैंने ऐसा किया भी है, मेरी जिससे शादी हुई थी, तो वो ओके कमाता था, ठीक है, मुझे ऐसा नहीं था, हम लोग बराबर कमाते थे, तो मुझे ऐसा नहीं था। और उसके बाद मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो गई उससे, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो कम है मुझसे, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट देनी है ना सामने वाले को, तो आप दोगे, और उसमें बड़ा छोटा पैसे ज़्यादा कम नहीं होते। जो आपके साथ लॉयल है, आप उसके साथ बहुत अच्छे से रहते हो। मतलब एक लड़के को, किसी लड़की को इम्प्रेस करना है, तो वो सबसे पहले उसको जाके सच्चाई बता दे अपनी, जो भी है। देखो मतलब पूरी सच्चाई ना बताए, बट जस्ट थोड़ा सा तो बताए, उतना बताए जो कि रिक्वायर्ड है, जैसे कि क्या कमाते हो, जैसे कि क्या कमा लिया, क्या क्या करते हो, और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो, मतलब जो छोटी मोटी जरूरी चीजें। क्या हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ आज की डेट में क्या हो रहा है, लड़के क्या इम्प्रेस करते हैं। लड़कों को लगता है इंस्टाग्राम और ये सारी चीजों में अपनी फेक गाड़ियों की पिक्चर्स डालेंगे, मर्सिडीज, BMW, इन सब में पिक्चर डालेंगे लग्जरी कार्स की, और लड़कियों को लगेगा ये तो बहुत रिच आदमी है, भाई इसको पटाओ, है ना, ये सब चल रहा है। और उससे क्या होता है कि जब आप मिलते हो वन टू वन सामने वाली लड़की को, एक बार, दो बार, तीन बार, तीसरी बार में उसको समझ आ जाता है ये जेन्युइन नहीं है, क्योंकि आपके खर्चे, आपकी सब चीज़ें, आपके कपड़े, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपने किस चीज़ का मतलब ब्रांड कॉन्शियस, आपको पता है, सब है, हम भी है, लेकिन सबको पता चल जाता है कैसा है। बट लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना जो सोशल मीडिया है स्पेशल, उसमें ऐसी ऐसी पिक्चर्स डालते हैं कि हमारे पास तो ये सब कुछ है, और ये नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये तो फिर ऐसी फैमिली वाले हो गए जो कि धोखेबाज टाइप में हो गए, धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। ओके, और कोई क्वालिटी जो कि एक लड़के में होनी चाहिए लड़की को इम्प्रेस करने के लिए? ऑफकोर्स लॉयल तो होना ही चाहिए। हाँ, मतलब लॉयल तो रिलेशनशिप में आने के बाद की बात है, मतलब ऐसा नहीं लगता आपको? देखो, एक तो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि इम्प्रेस कैसे किया जाए एक लड़की को। इम्प्रेस यही होता है, लड़कियों को क्या चाहिए होता है, एक लविंग बंदा चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ठीक है, लविंग बंदा चाहिए, लॉयल बंदा चाहिए, थोड़ा सा ठीक ठाक, ऑफकोर्स पर्सनैलिटी वैसी होगी, हमारे साथ खड़ा हो तो अच्छा लगे, और चौथी चीज यही है कि आप के साथ साथ वो आपकी चीजों को भी आपका ध्यान रख रहा है। ये नहीं होता कि सिर्फ आपका ध्यान रख रहा है, उसको अगर मान लो आपको आपका एग्जाम है या आपको घर पे कोई काम है, उसको सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, उसको आपकी फैमिली को भी देखना चाहिए कि पहले वो अपनी प्रायोरिटीज पूरी कर ले, उसके बाद भी वो मेरे लिए टाइम निकाल रही है। तो ऑफकोर्स दोनों साइड से है, मैं ये नहीं कह रही कि लड़का वेट ही करता रहेगा एक महीने तक मैं टाइम नहीं निकाल रही हूँ, या कोई लड़की टाइम नहीं निकाल रही है, तो दोनों को एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। यही रीजन है, ये तीन चार चीजें हैं जो मुझे लगता है लड़कियों को देखनी चाहिए और लड़कों को भी देखनी चाहिए दोनों साइड से।